This conference will now be recorded. HCL. This is one organization is HCL. And HCL companies ke baad jata some project is coming. There's a one project for like Delhi, one project is like Mumbai, and one project like Pune. There's a three locations pe HCL ke paas projects are. And every location he meets like 40 servers. हर लोकेशन पे उनको 40 सर्वर की रिक्वायरमेंट है, यानी कि हर लोकेशन पे उनको 40 सर्वर का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? एंड दिस प्रोजेक्ट कॉस्ट इज अराउंड 10 करोड़. और इस टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट 10 करोड़ है, जो कि हमें विद इन 6 मंथ में कंप्लीट करना है. हमारे पास ड्यूरेशन है कि 10 करोड़ इसकी कॉस्ट है, 6 मंथ के अंदर ही कंप्लीट करना है. तो गाइस दिस इज माय मिनिमम रिक्वायरमेंट. तो सबसे पहले अगर मैं कहता हूं कि किसी भी कंपनी के पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो क्या होगा? सबसे पहले फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट? एनीवन? सर, प्लानिंग हाउ टू प्रोसीड फर्दर इन दिस रिगार्ड. या परफेक्ट प्लानिंग की, लाइक अगर आपको कहीं गोवा घूमने जाना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? होटल बुक करोगे ना, सबसे पहले तो रहने की जगह देखोगे. बिल्कुल सर. इसी तरीके से कंपनी सबसे पहले क्या बनाएगी? अपना इंफ्रा बनाएगी, राइट? एग्री करते हो एवरीवन? अनुज जी, पंकज, राजीव, गोयल, रोशन, सेम है. तो अब कंपनी की मीटिंग होती है, कंपनी की एक थिंकअप मीटिंग होती है, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, आईटी सेक्टर्स है. और यहाँ पर जो मीटिंग होती है तो यहाँ पर चार टाइप्स के मेंबर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं इस मीटिंग के. और चार टाइप्स के हैं. पहला इंजीनियर कहता है, फर्स्ट इंजीनियर जो होता है, फर्स्ट कैंडिडेट, कि आप सर ऑन प्रमाइस डिप्लॉय करिए. वो कहता है कि यू कैन डिप्लॉय द ऑन प्रमाइस. तो ऑन प्रमाइज सबसे पहला इंजीनियर कहता है कि सर आप एक काम करिए, चारों लोकेशन पे अपना खुद का सेटअप लगाइए. और जब वो खुद का सेटअप लगाएंगे, यानी कि अपने खुद के सर्वर्स खरीदने पड़ेंगे उनको. तो कंपनी कहती है अगर हम खुद का सेटअप लगाएंगे तो कॉस्ट क्या आएगी? वो कहता है सर अप्रोक्सीमेटली 5 CR. वो कहता था इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा 5 CR हो जाएगा. तो क्या कंपनी ये सेटअप लगाएगी 10 करोड़ के प्रोजेक्ट में? इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ऑल फोर लोकेशन 5 CR. एवरीवन, ऑन प्रमाइस का मतलब है हर चीज आपको खुद से अपनी खरीदनी है. लाइक आपको गोवा जाना है तो पहले वहां पे आप घूमने जा रहे हो, घूमने से पहले आपको अपना घर खरीदना पड़ेगा वहां. इज इट पॉसिबल? नो सर. पहले तो सेगमेंट्स देखने पड़ेंगे, कौन कौन से सेगमेंट्स मतलब हैं उसमें, फिर ही कॉस्ट डिसाइड कर सकते हैं. सर 50% तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में ले लिए, अब इसके बाद कौन से सेगमेंट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद, वी हैव टू डिसाइड. यार सैलरी वो सब अलग है, मैं एक नॉर्मल बता रहा हूँ कि यहाँ पर 5 CR हमारा इंफ्रा में लग रहा है, क्या कंपनी लेगी? अदर सेगमेंट्स को हम छोड़ते हैं, अगर सेगमेंट में हमारी सैलरीज आ जाती है, रनिंग कॉस्ट आ जाती है, वो सारी चीज देखे. एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि 5 CR सिर्फ इंफ्रा कॉस्ट आ रही है, तो क्या कोई भी कंपनी लेगी ऑन प्रमाइस में? यस या नो? दिस इज अ प्रोसेस ऑफ बिफोर 2010. 2010 से पहले यही चैलेंज था कि जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, भी जितनी भी कंपनियां थी, उनके पास कोई भी वो छोटा प्रोजेक्ट नहीं लेती थी. वो सारी कंपनियां बड़ा प्रोजेक्ट लेती थी, क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट एक सबसे बड़ा कहते ना, एक कंपनी के लिए एक कहते ना सबसे बड़ा चैलेंज था कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट. क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम कोई हमारा प्रोजेक्ट आता है जो इस इंफ्रा को सपोर्ट ही ना करे. दूसरा कि अगर प्रोजेक्ट कंपनी अपने इस इंफ्रा पे बना भी लेती है तो बाद में नेक्स्ट प्रोजेक्ट कितने टाइम के बाद आता है, जब तक इस इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस कॉस्ट भी देनी पड़ेगी. तो कहने के एंड नंबर ऑफ चैलेंजेस है. तो कभी भी
कंपनी पहले छोटे प्रोजेक्ट को नहीं लेती थी, यानी कि छोटे प्रोजेक्ट को कंपनी नहीं लेती थी, वो मोस्टली बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करती थी। अनु जी, यस या नो? आप तो मोर एक्सपीरियंस है, वेरी बट गुड सर, ठीक या वेरी गुड, है। या तो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। दूसरा, इसके अंदर और भी काफी सारे चैलेंजेस थे। काफी सारे चैलेंजेस क्या आते हैं कि अगर यहाँ पर 40 सर्वर्स है, तो एक सर्वर की रिसोर्सेज 20% ही यूज हो रही थी। दिस इज अनदर प्रॉब्लम, द रिसोर्सेज यूज ऑन 20%, जबकि हमारा एक सर्वर तो 100% यूज होना चाहिए, एटलीस्ट 80% तो यूज होना चाहिए, बट यहाँ पर हमने 40 सर्वर्स लगाए हैं, बट एक सर्वर सिर्फ 20% रिसोर्स ही यूज कर पा रहा है, बाकी 80% रिसोर्सेज उसकी फ्री पड़ी हुई है। लुक लाइक कि आप लोगों ने अपना एक लैपटॉप बाय करा, लैपटॉप में 8 GB रैम है, बट आप क्या देखते हो, आप सिर्फ गूगल चलाते हो, तो गूगल के लिए तो 2 GB रैम भी सफिशियंट थी, सेलरॉन प्रोसेसर भी सफिशियंट था, बट आपने क्या करा, 1 TB हार्ड डिस्क ले ली, उसमें से 100 GB आपने स्पेस यूज कर रहे, 900 GB ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, 8 GB रैम ले लिया, यूज कर रहे हो 2 GB रैम का, 8 6 GB रैम ब्लॉक करके बैठे हो, सेम है सीपीयू है, यस और नो गाइस? दिस इज अ यस सर, एक्चुअल। सो ये सारे चैलेंजेस थे। अब कंपनी ने बोला कि यार इतने सारे चैलेंजेस हैं, तो पहले वाले का ऑफर जो था, पहले इंजीनियर ने उसका ऑफर तो फिर फिनिश हो, कंपनी ने कहा नहीं यार हम इस प्रोजेक्ट को नहीं लेते। अब वहां पे सेकंड इंजीनियर और था, उसने ऑफर दिया, सर वी आर यू आर यूजिंग द वर्चुअलाइजेशन। वो कहते हैं सर हम वर्चुअलाइजेशन यूज करके भी हम इसको कर सकते हैं। हेड कहते हैं यार वर्चुअलाइजेशन क्या है? तो चलिए जी, वर्चुअलाइजेशन वो कहते हैं कि सर रेदर देन कि यहाँ पर जो हमारी वेस्टेज हो रही है 20% रिसोर्सेज, हम यहाँ पर 120 सर्वर्स ना लेके अब हम काम करते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ 20 सर्वर्स डिप्लॉय कर लेते हैं, और उन 20 सर्वर्स पर ही हम अपने मल्टीपल वर्चुअल सर्वर्स डिप्लॉय कर लेते हैं। यानी कि ये जो 80% रिसोर्सेज आपकी फ्री थी हर सर्वर पर, क्योंकि सर्वर तो 20% पे ही काम कर रहा है ना, तो जो एक सर्वर की 80% रिसोर्सेज है, यानी कि दिस इज माय वन सर्वर, तो पहले यहाँ पर एक चल रहा था, अब मैं यहाँ पर 5 सर्वर बना दूं, क्योंकि सर्वर तो 20% है, रिसोर्स तो मेरी उतनी यूज होगी ना, यस और नो एवरीवन? अगर आप यस एक एप्लीकेशन रन कर रहे हो 1 GB में और आपके लैपटॉप पे 8 GB रैम है, तो कितनी एप्लीकेशन रन हो सकती है? 8, यस और नो? इसी तरीके से राइट यहाँ पर सर, जो सर्वर यूटिलाइज कर रहा है 20%, बट मेरा सर्वर तो 100% देता है ना, तो मैं 5 सर्वर रन कर सकता हूँ। तो कंपनी ने क्या करा, यू कैन बाय द सर 20 सर्वर, हैवी कॉन्फ़िगरेशन के हम 20 सर्वर लेते हैं, और उस पर हम क्या करते हैं, वी कैन डिप्लॉय द वर्चुअल, और हम उस पर अपने वर्चुअल इंफ्रा डिप्लॉय कर देते हैं, यानी कि 20 फिजिकल सर्वर, और उन 20 फिजिकल सर्वर पर हम अपने वर्चुअल सर्वर डिप्लॉय कर देते हैं, और अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर जो आपकी कॉस्ट हो जा रही है वो 5 करोड़ से 2 CR हो जा रही है, और दिस इज यूज बिटवीन 2010 टू अभी भी यूज हो रही है, बट मैं इसको एक्चुअल फॉर्म में बोलूंगा तो 2015 बोलूंगा। तो 2010 टू 2015 जो आपकी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वो हुई थी वर्चुअलाइजेशन, वी आर ऑल्सो यूजिंग दिस राइट नाउ। और वर्चुअलाइजेशन में गाइस आपके आ जाते हैं वीएमवेयर, सिट्रिक्स, जेन सर्वर, एफकॉम, एससीएम, एसीवीएमएम, हाइपर वी, केवीएम, दिस ऑल इज अ टूल ऑफ द वर्चुअलाइजेशन टूल। सो गाइस अब बताइए, एक तरफ 5 करोड़, एक तरफ 2 करोड़, क्या कंपनी जा सकती है? 50-50 मेरे हिसाब से, यस और नो एवरीवन? 50-50 है। एक और तीसरा इंजीनियर कहता है कि सर एक और हमारे पास ऑप्शंस है, कहता है कोई और भी कोई ऑप्शंस है कि मैं इस प्रोजेक्ट को कर सकूं, क्योंकि देखिए ज्यादा अगर हमारी कम कॉस्ट में ज्यादा काम होगा तो हमारा कॉस्ट उतनी जल्दी फ्री फिनिश भी होगा और हमारा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। अब तीसरा ऑप्शन कहता है, तीसरा जो इंजीनियर बैठा हुआ था वो क्लाउड इंजीनियर था, वो कहता है कि सर आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर मत लीजिए, यू कैन डिप्लॉय दिस कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर इन क्लाउड। वो कहता है कि सर आप एक काम करिए ना, 6 मंथ के लिए, तो आप 6 मंथ के लिए वर्चुअलाइज सर्वर क्यों बना रहे हो, क्योंकि हमें नहीं पता आगे का प्रोजेक्ट मिले या ना मिले, तो
क्यों ना हम क्लाउड से अपने 120 सर्वर्स रेंट पे ले लें, और अप्रोक्सीमेटली हमारा जो यहाँ पर रेंट जाएगा वो जाएगा अप्रोक्सीमेटली मैं कहता हूँ 60 लाख। तो इज इट बेटर? अब बताइए, अब कंपनी कहाँ कहाँ पे सोचेगी जाने की? क्लाउड पे एंड सर इफ इन केस इफ द प्रोजेक्ट इज लॉन्ग टर्म देन लॉन्ग टर्म भी क्लाउड पे जा सकती है। जा सकती है, बट कॉस्ट इफेक्टिव तो वो ऑन प्रमाइसिस पे ही रहेगा ना। नहीं, क्योंकि दे आर द चैलेंज की जो प्रोजेक्ट्स है ना आज के टाइम में, जो टेक्नोलॉजी ना एवरी 3 मंथ में, अगर आप ऑन प्रमाइस में 3 मंथ में चेंज कर सकते हो तो करिए। देखिए डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट किस टाइप का है। लॉन्ग टर्म जी कितना बोले, 2 इयर्स का, 3 इयर्स का, 5 इयर्स का प्रोजेक्ट होगा, सब क्लाउड पे जा सकते हैं ना। लॉन्ग टर्म वाला क्लाउड पे करेंगे तो क्लाउड क्यों नहीं कॉस्ट कम करेगा? यू आर राइट। इट्स अबाउट ए प्रोजेक्ट देन इट कुड बी हैविंग सम लेंथ, बट इन माइंड केस वी हैव ए प्रोजेक्ट एंड वी बिल्कुल हैव द सेम सेटअप दैट यू टोल्ड अस रिगार्डिंग फ्यू मिनट्स बैक, लाइक 2000 टू 2015 वी हैव ऑल द मशीन्स एंड having the virtualization servers and yes we are using that, but we have that product and that is running from last 10 15 years and could be I mean future is like maybe more like 100 of years, that's a big deal. So probably we have on-premise setup where we have a virtualization team to taking up all the stuff that you told us, so still we are also thinking of moving to the cloud in the coming years, not now, but it's a big setup, so yes, on your part. देखिए, अगर आप कोई भी कंपनी लॉन्ग टर्म सोचेगी ना तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी क्लाउड पे जाना पसंद करेगी। रीजन है क्योंकि हाँ जी एक बिल्कुल मेंटेनेंस कॉस्ट, एक फायरवॉल की कॉस्ट, आईटी टीम की कॉस्ट, स्पेस की कॉस्ट, मेंटेनेंस की कॉस्ट, और वही प्रोजेक्ट आपका मल्टीपल लोकेशन पे हो, उसको सेंट्रलाइज करने की कॉस्ट, वो सारी कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है। बिल्कुल फिर फेलियर सबसे ज्यादा है, व्हाट इज माय पॉइंट, फेलियर भी इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आपका, मैं कहता हूँ कि आपके सर्वर कंटिन्यू, आपका एक सर्वर मिनिमम मैं कहता हूँ 5 लाख का है और हर महीने आपके 4 सर्वर फेल हो गए, तो कंपनी का कितना लॉस है? In our application, we are using around 15 servers and we have around 45-50 JVMs and around 6 lakhs users access the application at one go. And all over the world, we have all the location from Australia to Canada to USA to India, Kolkata, Indore, and Dubai. Everywhere we have that. So it's like a huge thing, but still the infrastructure cost would be very, very high on if you go to the cloud also. दिस इज डिपेंड कि ये यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करना है कंपनी के मालिक को, हाँ ये ये आपके क्लाउड पे काम जाना है। तो चाहिए। राइट राइट यहाँ पर कंपनी के मालिक को, अब कंपनी के मालिक को पता लगा कि अब 6 महीने का मेरा प्रोजेक्ट है तो मैं 2 करोड़ खर्च क्यों करूं, 5 करोड़ क्यों करूं, मैं तो 60 लाख में जाऊंगा ना। यस और नो, इज इट क्लियर राइट गाइस? यस सर यस अब सर मैं अगर कहता हूं कि ये एक और इंजीनियर यहां पर बैठा हुआ है, अब वो कहता है कि सर यही कॉस्ट आपकी 60 लाख से 30 लाख हो सकती है, तो अब कहां पर मूव करना चाहोगे? गाइस बताओगे? और वो था डेवऑप्स इंजीनियर, डेवऑप्स नाम सुना होगा गाइस। वो कहते हैं सर आप डेवऑप्स यूज करते हैं तो यही कॉस्ट आपकी और कम हो जाएगी और यही काम 30 लाख में हो जाएगा। यानी कि अब जहां पर हम, आप अगर, मैं कहता हूं कि अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट 1 करोड़ लिखी है तो अगर आप 1 करोड़ में पहले 140 सर्वर्स लगा रहे थे तो अगर आप उस 1 करोड़ में अब 140 की जगह 500 सर्वर्स लगाइए, सर्विस काफी फास्ट क्लाइंट को एक्सेस होगी और हमें नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी वो देगा। क्योंकि तो जितना ज्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतनी ही सर्विस हमारी फास्ट होगी, ठीक है ना। तो हमारे ऊपर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर कॉस्ट को हमने कंप्राइज करने की कोशिश करी ना तो हमारे पास बहुत चैलेंजेस आते हैं। क्योंकि तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन होने का मतलब है कि पूरा मिलियंस ऑफ यूजर जितने भी हमारे एक्सेस कर रहे होंगे ना वो सारे का सारा एक्सेस हो जाएगा। लाइक अगर मैं कहता हूँ आज हजारों सर्वर गूगल के डेली बेसिस पे फेल्ड होते हैं,
अगर गूगल की वेबसाइट प्रॉपर एक्सेस ना हो ना तो उसके यूजर्स कम हो जाएंगे उसकी वेबसाइट को सर्च करने वाले, यस और नो? तो दिस इज अ करेंट, लास्ट टू इयर्स में डेवऑप्स ने अपनी मार्केट काफी ज्यादा पकड़ी है. तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट इज अ सिमिलर टू वर्चुअलाइज बट इज यूज अ कंटेनराइजेशन. तो आगे जब हम डेवऑप्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी डेवऑप्स के बारे में थोड़ा सा और बताएंगे. सो गाइस अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा और ब्रीफ कर रहा हूँ आप लोगों को कि ये तो चलिए क्लाउड हो गया, बट अब आते हैं कि क्लाउड आया कैसे मार्केट. सो लेट्स स्टार्ट गाइस, द वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का नाम ही पहले मैं आपको बता देता हूँ, इज कॉल्ड क्लाउड. इसी टेक्नोलॉजी के नाम को चेंज करके क्लाउड करा गया. लाइक आपका कंप्यूटर है, अगर आप अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो वो हो गया फिजिकल कंप्यूटर, और अगर आपके कंप्यूटर को आपका फ्रेंड दूसरे लोकेशन पे एनी डेस्क से एक्सेस करे तो आप उसको क्या बोलोगे, रिमोट कंप्यूटर? यस और नो? सिर्फ आपके कंसोल एक्सेस का, सिर्फ आपके कंसोल एक्सेस करने की लोकेशन चेंज हो गई ना, कंप्यूटर तो अपनी जगह पर ही है, सर्वर तो अपनी जगह पर ही है ना, आपने आपने अपनी लोकेशन चेंज करी है. तो आपने इंटरनेट के थ्रू एनी डेस्क डाला या टीम व्यूअर डाला या रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू सर्वर को किसी अदर लोकेशन पे एक्सेस कर लिया. इज इट क्लियर एवरीवन? किसी का कोई क्वेश्चन? किसी अदर क्वेश्चन किसी का? पंकज, कुणाल, राजीव, शुभम, रोशन? नो सर, नो सर. चलिए गाइस, सो अब यहाँ पर क्या था कि लाइक दे आर द वन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, इज नेम इज एचसीएल. एंड एचसीएल कंपनी ने क्या करा कि इसने कहा कि यार मेरे पास जो प्रोजेक्ट आया उसने क्या था कि मैं एक सेंट्रल लोकेशन पे अपना एक डेटा सेंटर बनाता हूँ. सपोज करो एचसीएल ने अपना नोएडा लोकेशन के अंदर डिप्लॉय द डेटा सेंटर इन नोएडा. एंड नोएडा में जब उसने अपना डेटा सेंटर डिप्लॉय करा था तो यहाँ पर दो पार्ट थे, एक पार्ट था आपका आईटी टीम और दूसरा पार्ट था डेटा सेंटर. तो दिस इज योर डेटा सेंटर, योर ऑल सर्वर्स डिप्लॉय इन हियर. तो यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन करके या ऑन प्रमाइज व्हाटएवर आप कोई भी चीज मान लीजिए दोनों में से, ये यहाँ पर कंपनीज में अपने डेटा सेंटर्स में अपने सर्वर्स लगाए हुए हैं. एंड दिस इज अ नोएडा आईटी टीम इज अवेलेबल. और अगर कोई भी डेटा सेंटर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स आती थी या कोई भी चैलेंजेस आते थे तो नोएडा की आईटी टीम इस डेटा सेंटर के अंदर जाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती थी, अदरवाइज वो अपना काम करती थी. ये तो यही होता है, प्रॉब्लम आती है हमारे सर्वर में तभी हम जाते हैं. यस और नो? कंपनी की दो ब्रांचेस हैं, देयर द वन ब्रांच इज अवेलेबल इन लाइक दिल्ली या फिर मैं कहता हूँ मुंबई, वन ब्रांच इज अवेलेबल लाइक यूएस. तो मैं इस तरीके से डिवाइड कर लेता हूँ कि दिस इज इंडिया और दिस इज लाइक कनाडा और दिस इज लाइक यूएस. अब कंपनी ने क्या करा है, द कंपनीज आर कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट एंड ऑल इज आर कनेक्टेड interconnected with each other और सारी की सारी कंपनी यहाँ पर इंटरनेटली कनेक्टेड. अब कनाडा के जो भी सर्वर्स हैं वो सारे सर्वर्स कहाँ लगे हुए हैं, इंडिया के अंदर लगे हुए हैं, नोएडा के अंदर. तो द ऑल कनाडा यूजर्स या ऑल टीम, ऑल टीम एक्सेस सर्वर वाया इंटरनेट From India. जितनी भी टीम थी जिनको भी वहां पे काम करना है वो सारे के सारे सर्वर थ्रू इंटरनेट एक्सेस करते थे इंडिया से. और गाइस इसी प्रोसेस को हम बोलते थे पब्लिक एक्सेस. इसी प्रोसेस को गाइस हम लोग बोलते हैं पब्लिक एक्सेस. और पब्लिक एक्सेस का ही मतलब है पब्लिक क्लाउड. तो गाइस पब्लिक एक्सेस का मतलब ही आपका पब्लिक क्लाउड है. तो पब्लिक क्लाउड का बेसिकली फंडा क्या है मैं आपको बता देता हूं. देयर इज अ नो फिजिकल एक्सेस. जहां पर भी फिजिकल एक्सेस नहीं सर्वर्स का नहीं होता है तो देयर इज अ नो. तो पब्लिक क्लाउड में कभी भी आपके पास सर्वर्स का फिजिकल कंट्रोल नहीं होगा. लाइक मैं कहता हूं कि ये आपका सर्वर यूएस का है. This is for US. This is for Canada.
अब मैं कहता हूं कि अगर कनाडा का सर्वर डाउन हो गया, किसी भी रीजन से कनाडा का सर्वर डाउन हो गया, तो कौन सी टीम इस कनाडा के सर्वर को अप कर सकती है? गाइस बताओगे कौन? इंडिया की टीम कर पाएगी ना? रोशन गॉट इट माय पॉइंट? यस सर। तो सबको पता है सेम है, अगर यूएस का सर्वर डाउन जाता है तो इंडिया की टीम ही कर पाएगी, बिकॉज क्योंकि यूएस और कनाडा के पास तो कौन सा कंट्रोल है कि लाइक आप अगर किसी का सिस्टम एनी डेस्क से एक्सेस कर रहे हो और उसका सिस्टम बंद हो जाए तो क्या आप ऑन कर सकते हो अपने घर पे बैठ के? कर सकते हो क्या गाइस? नहीं कर सकते ना। सेम ही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कभी भी रिमोट लोकेशन पे काम करते हो तो आपका कोई भी अगर है तो जो भी आपके फिजिकल कंट्रोल यानी कि जहां पर भी आपका फिजिकल कंट्रोल होता है वो आपका प्राइवेट क्लाउड होता है। तो प्राइवेट क्लाउड ऑलवेज इज अ फिजिकल कंट्रोल। तो आपका यहाँ पर फिजिकल सर्वर्स लगे हुए हैं, आईटी टीम के पास फिजिकल है, ये लैन के थ्रू एक्सेस कर सकती है, इनको इन सिस्टम्स को एक्सेस करने के लिए वैन पे जाने की जरूरत नहीं है। बट आपको पास आप वैन लोकेशन पे रिमोट लोकेशन पर हो तो आपको वैन के थ्रू इन सर्वर्स को एक्सेस करना पड़ेगा और देयर इज नो फिजिकल एक्सेस। तो कनाडा और यूएस के पास फिजिकल एक्सेस नहीं है तो उनके लिए ये हो जाएगा पब्लिक क्लाउड, और आईटी टीम यानी कि नोएडा के लिए, नोएडा की टीम के लिए ये हो जाएगा प्राइवेट क्लाउड। दिस इज अ cloud for HCL, so this is a hybrid cloud of HCL. अगर ये HCL company का data center है तो सिर्फ HCL company का ये hybrid cloud हो जाएगा, because the hybrid cloud is a combination of the public and private cloud. Is it clear? Any question किसी का? Any question किसी का? पंकज, राजीव, राजीव गोयल, राजीव साह, राजीव एंड रोशन इज नॉट अ मेंबर ऑफ एचसीएल, यू आर नॉट अ पार्टनर ऑफ एचसीएल, यू आर नॉट अ एम्प्लॉय ऑफ एचसीएल, कैन यू एक्सेस द एचसीएल डेटा सेंटर? नो सर। नहीं कर सकते ना? नो सर। सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मार्केट के अंदर कुछ वेंडर्स आए और इन वेंडर्स ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, और वो वेंडर्स आए तो मार्केट में कुछ आपके सीएसपी आए। सीएसपी का मतलब है गाइस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। तो मार्केट में कुछ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स आए और उन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स ने, और वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्या है? AWS, Azure, GCP, Alibaba, more and more, but these are the four big players जिन्होंने वर्ल्ड वाइड लोकेशन, लाइक दिस इज माय वर्ल्ड, इन्होंने वर्ल्ड वाइड लोकेशन पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय कराया, लाइक यूएस के अंदर, इंडिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा के अंदर, ठीक है ना, पेरिस, सिंगापुर, हर लोकेशन यानी कि अपना वर्ल्ड वाइड लोकेशन पे जो भी आपका एशिया की कंट्रीज हैं या जो भी बिग कंट्रीज है उन्होंने हर जगह क्या करे, डिप्लॉय करे डेटा सेंटर, वो भी कौन से, फिजिकल। तो फिजिकल डेटा सेंटर्स में उन्होंने क्या करा था, उन्होंने सबसे पहले एक लोकेशन ली, लाइक का मैं बात करता हूं इंडिया, इंडिया में उन्होंने क्या करा, उन्होंने कंट्री सिलेक्ट करी इंडिया, इंडिया में उन्होंने एक लोकेशन सिलेक्ट करी लाइक का मुंबई, इंडिया के अंदर उन्होंने लोकेशन सिलेक्ट करी मुंबई, मुंबई के अंदर उन्होंने क्या करा सर्वर्स लगाए, दिस इज अ फिजिकल सर्वर्स, मुंबई के अंदर उन्होंने अपने फिजिकल सर्वर्स लगाए और उन फिजिकल सर्वर्स पर फिर उन्होंने क्या करा डिप्लॉय कर दिए वर्चुअल सर्वर।
with the help of virtualization. So guys, this is your one data center is reason. और इसी इंडिया को उन्होंने यहाँ पे नाम क्या दे दिया, रीजन. इसी लोकेशन को उन्होंने नाम दे दिया रीजन. तो कोई भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हो, उसने अपना एक पोर्टल, यानी कि अपना एक पोर्टल बनाया, दिस इज जिसको आप बोलते हैं AWS अकाउंट या अजूरे अकाउंट या GCP अकाउंट, AWS अकाउंट, और या इसको अदर वर्ड में बोले तो AWS पोर्टल भी बोलते हैं, कंसोल भी बोलते हैं. जब आप इस पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो गाइस आपको वहां पर सारी कंट्रीज, जितनी भी लोकेशन पर उन्होंने अपने डेटा सेंटर बनाए, लाइक इंडिया हो गया, US हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सारी की सारी लोकेशंस आपको दिखेंगे, जिस भी जितनी भी लोकेशंस पे उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करा है. बट दिस ऑल क्लाउड इज अ ओपन सोर्स. गाइस ओपन सोर्स में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि ओपन सोर्स का मतलब फ्री वाला नहीं है. यहाँ पर जो ओपन सोर्स है, दिस इज नॉट अ फ्री. यहाँ पर जो मैं ओपन सोर्स का बात कर रहा हूँ कि एनीवन का मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डिप्लॉय करा सकता है. ये आपका HCL का डेटा सेंटर है. अब मैं कहता हूँ यू आर नॉट अ पार्टनर, तो क्या आपको अगर 10 सर्वर चाहिए तो क्या आप HCL के डेटा सेंटर पे बना सकते हो? नहीं बना सकते. नो सर. तो लाइक सिंपल सा गाइस कॉन्सेप्ट ये है कि एक आपकी पर्सनल कार है, तो पर्सनल कार में पब्लिक आदमी नहीं जा सकता. आप या आपके साथ जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो जा सकते हैं, जिनको नॉन है. लेकिन अननोन तो नहीं जा सकता ना आपकी पर्सनल कार में. लेकिन एक है आपका लाइक का बस, या मैं कहता हूँ बस की मैं बात करता हूँ, तो बस में तो नॉन और अननोन सब जा सकते हैं ना गाइस. तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ से कोई भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय कर सकता है. तो यहाँ पर यही है कि यहाँ पर जब HCL कंपनी ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करा तो 2 crore की कॉस्ट आती है. ऊपर वाले एग्जांपल कि यहाँ पर अगर कॉस्ट आती है, अगर वो कहता है कि ये वर्चुअलाइजेशन टूल यूज करते हैं, तो हमारी 2 crore की कॉस्ट आ रही है इन 3 लोकेशन की. बट अगर हम यहीं पर एक क्लाउड पे जाते हैं, अगर आप कहते हैं कि सर यहाँ पे ना जाके आप AWS, Azure, GCP, Alibaba कोई भी क्लाउड कर लें, तो यहाँ पर आपकी अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट 60 lakh आ जाएगी सेम इंफ्रास्ट्रक्चर. क्यों? क्योंकि मार्केट में हमारे मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स आ चुके हैं. लाइक जिस तरीके से आज हमारे इंडिया के अंदर सर्विस प्रोवाइडर एयरटेल है, टाटा है, जियो है, दीज आर द सर्विस प्रोवाइडर ना, इनके अलावा तो कोई नहीं है ना. इसी तरीके क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करा हुआ है. बाकी जो भी कंपनी आएंगी वन बाई वन आ गई. अब तो ऑरिकल आ गया, VMware क्लाउड आ गया, IBM क्लाउड आ गया, बट इट्स नॉट एन बिग लेवल. दीज आर द 4 कंपनी जो कि काफी इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने अपना वर्ल्ड वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया. और गाइस दिस ऑल इज अ पब्लिक क्लाउड, यानी कि अगर आप इन सब पे किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को आप यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ वर्चुअल एक्सेस ही मिलेगा. आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? वर्चुअल एक्सेस मिलेगा. क्यों? क्योंकि आपका सर्वर, अगर आप इंडिया में बैठे हो और इंडिया में बैठ के आप अगर अपना रिसोर्स US में डिप्लॉय करना चाहते हो, या कनाडा में डिप्लॉय करना चाहते हो, या ऑस्ट्रेलिया में डिप्लॉय करना चाहते हो, तो गाइस आप इसको पब्लिकली डिप्लॉय कर रहे हो ना, क्योंकि आपके घर में थोड़ी ना है. आपके पास क्या फिजिकल कंट्रोल है उनके सर्वर्स का, उनके डेटा सेंटर्स का? नहीं है. बट आपको उन्होंने एक वर्चुअल कंसोल दे दिया कि आप उस पर्टिकुलर कंसोल पे जाके कोई भी काम कर सकते हो. गॉट इट द पॉइंट? यस सर. इज इट क्लियर गाइस? एनी क्वेश्चन गाइज किसी का? यस सर. तो गाइज अगर आप कभी भी क्लाउड पे लॉग इन होंगे, तो यहाँ पर आई एम जस्ट लॉग इन विद क्लाउड. अभी मैं ये सारा प्रोसेस बताऊंगा, डोंट वरी. नेक्स्ट क्लास में, आज नहीं, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास ही लेंगे. HC32BM देखिए यहाँ पर ये आपका मुंबई है ना, दिस इज योर रीजन, US ईस्ट, US ओहायो, वेस्ट ओरेगन, सेपा टाउन, हांगकांग, मुंबई, सियोल, सिंगापुर, सिडनी, टोक्यो,
ये आपके सारे रीजन है जहां पर भी अमेजोन ने अपने फिजिकल डेटा सेंटर्स लगाए हुए हैं। तो मैंने भी मुंबई रीजन में अपने सर्वर्स बनाए हुए हैं। दिस इज माय वेबॉक्स का सेटअप, मेरा एंसिबल का सेटअप बना हुआ है गाइस यहां पर, ठीक है। सो मैंने भी अपने सर्वर्स बनाए हुए हैं, आई एम डिप्लॉयिंग मुंबई लोकेशन। तो दिस इज द रीजन कि आपको एक कस्टमाइज्ड पोर्टल दे दिया गया है और इस पोर्टल पे वर्ल्ड वाइड के जितने भी डेटा सेंटर, जितनी भी अमेजोन की लोकेशन है यानी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स की लोकेशन है, वो सारी की सारी लोकेशन आपको यहाँ पर मिलेंगी। अब सबसे पहले ये कि अगर आपको इंडिया में कहीं घर जाना है या कहीं घूमने, तो आप सबसे पहले इंडिया कंट्री सिलेक्ट करोगे। हम कंट्री में जाने के बाद आप सिलेक्ट करोगे कि यार मुझे किस स्टेट में जाना है, आई एम गोइंग गुजरात, आई एम गोइंग दिल्ली, आई एम गोइंग बंगाल, आई एम गोइंग इन यूपी, दिस इज माई सिलेक्शन ना। इसी तरीके से जब कंपनी कोई भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी तो कंपनी हमेशा नियरेस्ट लेगी। अब कंपनी को अगर यूएस में डेटा सेंटर बनाना है, कोई यूएस का प्रोजेक्ट है, बट कंपनी कहती है यार यूएस का प्रोजेक्ट कैसे ले, वहां पे मुझे टीम हायर करनी पड़ेगी, आईटी टीम लगानी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर टीम, तो कंपनी कहती है सर आप वहां पे आईटी के बंदे सिर्फ अपने यहाँ से भेज दीजिए और क्लाउड पे अपना डेटा सेंटर डिप्लॉय करा दीजिए, आपको क्या जरूरत है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यूएस में लगाने की, यू कैन डिप्लॉय, आप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पर जाइए, यूएस का कोई भी डेटा सेंटर कर लीजिए, नॉर्थ वर्जीनिया, ओहायो, कैलिफोर्निया, ओरेगन, वहां पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करा दीजिए और वहां पर इंजीनियर्स आप छोड़ दीजिए जो कंपनी में बैठ के काम करेगा, आपका सपोर्ट देगा। तो कंपनी की कॉस्ट बचेगी या नहीं बचेगी? एवरीवन बचेगी बचेगी, बट अगर यहीं पर ही आपका ऑन प्रमाइस और वर्चुअलाइजेशन वाला होता तो सेटअप लगाना पड़ता यूएस में, उस सेटअप को लगाने में 1 महीने लग जाते, यहाँ तो 1 वीक के अंदर सेटअप रेडी हो जाएगा और 2 डेज के अंदर, विद इन 2 डेज। सो वेरी फास्ट, सारी चीज बहुत चैलेंजेस थे, वो सारे चैलेंजेस क्लाउड पे आने से खत्म हो गए। अब नेक्स्ट टाइम कंपनी के पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो कंपनी कहती है यार मैं अपना सेटअप भी क्यों लगाऊं, मैंने अपना सेटअप लगाया, हर तीसरे दिन मेरा एक सर्वर खराब हो रहा है, मेल कर रहा हूँ, पैसे जनरेट हो रहे हैं, कहते हैं यार एक काम करो सेटअप को फिनिश करो और अब कोई भी प्रोजेक्ट आता है हम अपना सेटअप नहीं लगाएंगे, हम भी कहाँ पे मूव कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट सर्वर्स को क्लाउड पे मूव कर लेते हैं। इसलिए मार्केट में डिमांड आ रही थी क्लाउड क्लाउड क्लाउड, तभी 2015 के बाद सडनली मार्केट ने क्लाउड में, क्योंकि अदरवाइज देखे ना 2010 के बाद सिर्फ आपकी वर्चुअलाइजेशन पे बहुत जॉब थी, VMware, Citrix, Ascom, SCCM, इन टूल्स पे इतनी जॉब थी गाइस कि इंजीनियर भी मिल रहे थे और काफी मोटी मोटी सैलरियां भी ले रहे थे। यहाँ पे भी कोई कह रहा था कि वो इज वर्किंग इन वर्चुअलाइजेशन, कौन वर्क कर रहा है वर्चुअलाइजेशन पे? गाइस कोई कह रहा था ना वर्चुअलाइजेशन पे वर्क कर रहा है, कौन? रोशन आप कह रहे थे, शुभम आप कह रहे थे? No, sir. तो रहा था, यूज करा है गाइस वर्चुअलाइजेशन किसी ने? अनुज जी आपने तो करा होगा। हाँ मैंने, या राकेश जी, आई वाज जस्ट टेलिंग दैट वी वर यूजिंग द वर्चुअलाइज्ड VMware, आई मीन ऑल द JVMs ऑन ए सिंगल मशीन दैट यू टोल्ड अस दैट वी आर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी स्टिल नाउ इन अ सिस्टम। या ESXi सर्वर और vCenter सर्वर एवरीथिंग मैंने भी, मैंने भी बहुत काम करा है बट अब नहीं कर रहा। तो चलिए एंड चलते हैं गाइस, ये तो हो गया क्लाउड का इंट्रोडक्शन कि क्लाउड क्यों लाया गया, बट क्लाउड अभी मैंने स्टार्ट नहीं करा गाइस, वी हैव स्टार्ट द क्लाउड सेक्शन टुमारो। अब मैं बताता हूँ नेक्स्ट टेक्नोलॉजी डेवऑप्स का आने का रीजन क्या था मार्केट में, कि ये चीज मैंने बताई थी डेवऑप्स में 30 लाख कॉस्ट कैसे हुई, ये तो पता लग गई आपको कि वर्चुअलाइजेशन यूज करके यहाँ पर आ गई, लेकिन डेवऑप्स में कॉस्ट 30 लाख कैसे हुई, इसका रीजन क्या था? तो इसका रीजन क्या था गाइस, मैं सिंपल सा कहता हूँ कि अगर आपकी कंपनी कहती है कि आपकी कंपनी को हर सर्वर पे इंस्टॉल करना है ओनली आई एम आस्किंग लाइक VLC मीडिया प्लेयर, कंपनी कहती है कि मेरे जो 120 सर्वर्स है ना, इन सारे के सारे सर्वर पे VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करना है। तो चलिए, तो गाइस अगर VLC मीडिया प्लेयर की यहाँ पर बात हो रही है तो आपको पता है कि VLC मीडिया प्लेयर का जो साइज होता है, इज इट अराउंड, मैं कहता हूं 100 MB है, और इसको रन करने के लिए जो रैम की रिक्वायरमेंट है, मैं कहता हूं मिनिमम 100 MB रैम में ये रन हो जाता है। यस या नो एवरीवन? यस। बट अब मैं कहता हूं कि अगर आपको ये आपका एक, मैं सिंपल सा ले रहा हूं, दिस इज माय बेस मशीन,
बेस मशीन का मतलब है, मैं कहता हूँ ये आपका एक लैपटॉप है, दिस इज योर लैपटॉप, और लैपटॉप पे आपने सबसे पहले क्या करा, इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम, और इस लैपटॉप की जो गाइस मैं कहता हूँ कॉन्फ़िगरेशन है, इज इट अराउंड 1 TB एसएसडी एंड 16 GB ऑफ रैम। अब मैं कहता हूं कि यहां पर जब इन्होंने सबसे पहले इंस्टॉल करा ओएस, और जब ओएस इन्होंने इंस्टॉल करा तो ओएस ने क्या करा, 50 GB तो स्पेस ले लिया प्लस 3 GB रैम ले ली। ओएस को रन करने के लिए 3 GB रैम, विंडो 10, यस और नो? यानी कि 16 में से कितने जीबी रैम चली गई, 3 GB रैम। अब आपने क्या करा, आप यूज कर रहे हो लाइक का वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, अब आपने क्या करा, आपने इस पे इंस्टॉल करा हाइपरवी, हाइपरवी, और हाइपरवी इंस्टॉल करके यू कैन डिप्लॉय सपोज करो 2 वर्चुअल मशीन या 40 वर्चुअल मशीन या 40 सर्वर, मैं यहां पे 2 ही वर्चुअल मशीन कर, सो आई एम डिप्लॉयड 2 वर्चुअल मशीन और जब मैंने यहां पर 2 वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करी तो मैंने क्या करा, इन दोनों वर्चुअल मशीन पर भी सबसे पहले क्या इंस्टॉल करा, ओएस इंस्टॉल करा। तो जब मैंने यहां पर ओएस इंस्टॉल करा तो यहां पर भी जब ओएस मैंने गाइस इंस्टॉल करा तो ओएस ने यहां पर भी मेरा क्या लिया, 50 GB स्पेस लिया और 3 GB रैम ली। सेम एज इस वाले पे भी वीएम पर भी, वीएम 2 पर भी 50 GB रैम और 3 GB रैम ली। और अब आपने क्या करा, इसके ऊपर इंस्टॉल करा अपना वीएलसी मीडिया प्लेयर, और अब आपने क्या करा, फिजिकल मशीन पर अपना वीएलसी इंस्टॉल करा, एंड वर्चुअल मशीन पर भी वीएलसी मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करा, और यहां पर भी वीएलसी मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करा। गाइस इसमें क्या डिसएडवांटेज आपको लगे, वर्चुअल मशीन बनाई है कभी किसी ने, एनीवन? देखिए गाइस यहाँ पर मैंने बना रखी है, आई एम जस्ट हाइपरवी मैंने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करा हुआ है, ठीक है? तो और दिस इज अ वर्चुअल मशीन, यहाँ पर मैंने क्रिएट करी हुई है, अपने सर्वर्स क्रिएट करे हुए हैं, तो वर्चुअल मशीन मैंने अपने लैपटॉप पर ही बनाई रखी है, ठीक है? तो अब गाइस यहाँ पर आपको क्या डिसएडवांटेज लग रही है कि आपने 3 सर्वर्स पर वीएलसी हर जगह जा पर करना पड़ रहा है इंस्टॉल, हर जगह जाके नहीं करना पड़ रहा। अगर आपको पता हो कि आपने 3 मशीन पर आपने 3 मशीन पर वीएलसी इंस्टॉल करा, यस और नो एवरीवन? यस सर। 3 मशीन पे इंस्टॉल करा, कितना स्पेस लिया तीनों मशीन पे वीएलसी इंस्टॉल करने के लिए, 300 MB, और रैम कितनी यूज हुई होगी गाइस, कितनी रैम यूज हुई होगी, 300 MB। बट इस वीएलसी मीडिया प्लेयर को रन करने के लिए आपकी और भी एक कॉस्ट इन्वॉल्व हुई है, and this cost is called a 150 GB of space and 9 GB of RAM. Yes or no? एक media player को चलाने के लिए पहले तो आपने Windows 10 डाली है ना, बट हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या थी कि वीएलसी मीडिया प्लेयर सर्वर पे चलना चाहिए, और आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे तभी वीएलसी मीडिया प्लेयर रन करेगा,
विदाउट ओएस के तो रन करेगा ही नहीं ना. यस और नो एवरीवन, गॉट इट माय पॉइंट? यस सर. अगर मैं कहता हूं कि कंपनी की ये वाली कॉस्ट बच जाए तो कंपनी को बेनिफिट होगा या नहीं होगा? क्या हुआ गाइस, शांत क्यों हो गए? अब आप बोलोगे कि सर बगैर ओएस के सॉफ्टवेयर्स कैसे रन करेंगे हमारे, क्यों गाइस? यस सर. Right. देखिए वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी ना आपकी प्रोवाइड कराती है हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन. जो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराती है हार्डवेयर, और डेवऑप्स के अंदर जो हम यूज करते हैं ना कंटेनराइजेशन यूज करते हैं. सो हमारा अब डेवऑप्स आया. डेवऑप्स के अंदर क्या हुआ कि डेवऑप्स के अंदर अगर मैं बात करता हूं कि यहां पर भी सबसे पहले हमने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया. सेम ही मशीन का इधर दोनों में डिफरेंस देखना. और इस ऑपरेटिंग सिस्टम जब मैंने इंस्टॉल करा तो यहां पर भी इसने भी क्या करा, इसने 50 GB स्पेस ले लिया ओएस के लिए एंड 3 GB रैम ले ली. अब यहां पर आपने हाइपर भी करा और मैंने यहां पर हाइपर भी की जगह मैंने गाइस यहां पर इंस्टॉल कर दिया डॉकर. I'm install the Docker. अब गाइज यहां पर आप क्या करते हो, इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो ना, यस और नो? यहां पर आपने विंडो 10 का ओएस इंस्टॉल करा ना. डॉकर क्या करता है, डॉकर ने अपना एक खुद का स्टोरेज बनाया हुआ, जिस स्टोरेज को गाइज हम बोलते हैं डॉकर हब. जब डेवऑप्स में स्टार्ट करूंगा ये सारी चीज प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, कंप्लीट प्रैक्टिकल होगा ये. दिस इज द डॉकर हब, दिस इज माय डॉकर हब. और डॉकर हब भी क्या करता है, यहां पर स्टोर करके रखता है इमेज, बट इन इमेज को हम बोलते हैं गाइस स्मार्ट इमेज. तो डॉकर हब स्टोर स्मार्ट इमेज. तो गाइस स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या फर्क है, कोई बताएगा? व्हाट इज द डिफरेंस स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क? एनीवन? स्मार्ट वर्क इज वेरी मच, यस यस, एंड हार्ड वर्क वी हैव टू गिव द सो मच ऑफ एफर्ट टू डूइंग द गेटिंग द सेम पर्पस एंड गेटिंग द सेम डेस्टिनेशन, बट एज ऑफ नाउ फॉर द स्मार्ट वर्क यू आर पुटिंग द लेस एफर्ट एंड गेटिंग द सेम रिजल्ट्स. लेस एफर्ट और सेम रिजल्ट. तो गाइस यहां पर भी सेम है. अब मेरे को एक बात बताइए, आप में से किसी ने विंडोज 7 या विंडोज 8 पे काम करा है? किया है, यस सर. एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 8 पे किस किस ने काम करा है? और विंडो 10 पे उसपे भी किया है. व्हाट इज द डिफरेंस? यूजर फ्रेंडली है विंडोज 10. विंडोज 10 10-20% डिफरेंस मान लेता हूं. ऑलमोस्ट 10-20% डिफरेंस ही है, बाकी सब तो सेम ही है ना. यस सर. या अगर मैं कहता हूँ कोई भी डेवलपर है, कोई भी डेवलपिंग का काम कर रहा है, तो वो क्या करता है, चेंजेस करता है, बाकी स्क्रिप्ट तो कॉपी पेस्ट करता है ना. या आप कोई स्क्रिप्ट लिखते हो तो स्क्रिप्ट तो कॉपी पेस्ट करते हो ना, बाकी 20% चेंजेस ही तो आप करते हो, यस और नो? यस. तो यहाँ पर भी ना डेवऑप्स के अंदर भी सेम ही काम इम्प्लीमेंट करा गया. यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ पर इमेज तो बनाई गई है, वो बनाई गई है कि VLC का सेटअप प्लस जो VLC को रन करने के लिए OS की डिपेंडेंसी चाहिए होती है. मैं कहता हूं कि OS की जो सिर्फ 10% फाइल्स ऐसी हैं जो VLC मीडिया प्लेयर को चलाती है, 90% फाइल तो यूज ही नहीं होती. कुछ समझे या नहीं समझे? तो यहां पर जो स्मार्ट इमेजेस बनाई गई है ना, वो बनाई गई है कि जितनी फाइल सिर्फ ओएस की नीड है चलाने के लिए, सिर्फ वो ही फाइल VLC मीडिया प्लेयर के साथ इंटीग्रेटेड कर दी गई है.
पहले आप क्या कर रहे थे कि पहले हम पूरा का पूरा वीएलसी मीडिया प्लेयर पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहा था, लेकिन डॉकर का कॉन्सेप्ट क्या है, वो कहता है मुझे इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चाहिए। लाइक अगर आपके किचन में काफी सारा सामान है बट अगर आपको टी बनानी है, चाय बनानी है, तो आप सिर्फ चाय पत्ती और चीनी का ही तो यूज करोगे, वहां पे रखे मसाले वगैरह का यूज करने का क्या मतलब। गॉट इन माय पॉइंट? पहले क्या हो रहा था कि पहले अगर आपको टी बनानी है तो आप पूरी किचन ही ब्लॉक करके बैठ के कोई दूसरा काम ही नहीं कर पाते, बट आपको कह रहा है यार पैरेलली आप सब लोग काम करो, मुझे मतलब नहीं है, मुझे ओएस की जितनी चीज चाहिए मेरे पास है वो। तो अब क्या करेगा कि जब आप यहाँ पर डॉकर क्रिएट करता है कंटेनर, जैसे यहाँ पर वर्चुअल मशीन होती है ना, उसी तरीके से अगर आपको वीएलसी है तो डॉकर क्या करेगा, सबसे पहले आपकी इमेज को पुल करेगा कहां से, डॉकर हब से। इट पुल द इमेज इन डॉकर हब, और क्या करेगा वो यहां पर वीएलसी की इमेज को लाके सेव कर देगा आपके सिस्टम में, यहां पर उसमें वीएलसी की इमेज यहां पर सेव कर देगा, और ये इमेज डेवलपर ही बनाते पहले से बनी हुई है, वीएलसी की इमेज सेव कर दी। और अब यहां पर क्या करेगा, इस इमेज का जो साइज है गाइस, मैं कहता हूं इस इज द 150 MB, 100 MB वीएलसी और 50 MB उसकी रिकमेंडेड डिपेंडेंसी फाइल। और अब वो क्या करेगा, यानी कि 10% इसके अंदर कौन सी फाइल इंक्लूड है, ओएस की फाइल इंक्लूड है। अब ये क्या करेगा, यू कैन डिप्लॉय द कंटेनर। सो गाइस अब अगर इसने यहां पर एक कंटेनर बनाया तो ये कंटेनर कितना साइज लेगा, 150 MB, यस और नो? 150 MB की, तो 150 MB इसने लिया। गाइस बाकी रिमेनिंग की 90% ओएस जो है ना ये फिजिकल मशीन का यूज करे, कहां का यूज करेगा, आपकी फिजिकल मशीन का ओएस यूज करेगा ये। हंड्रेड परसेंट ओएस मिल गया इसको, यानी कि ये हर कंटेनर के लिए ओएस इंस्टॉल नहीं करेगा, ये हर कंटेनर का लिए 90% ओएस कहां का यूज करेगा, आपकी फिजिकल मशीन का यूज करेगा, आपको हर उसके लिए नहीं है। दिस इज फर्स्ट कंटेनर, यू कैन क्रिएट द अनदर कंटेनर 150 MB, फिर से आपने यहाँ पे बनाया 150 MB, तो ये 150 150 150। अब मैं कहता हूं कि आपके पास यहाँ पर थी 16 GB रैम, 16 GB रैम पे आप यहाँ पर सिर्फ 5 कंटेनर बना पा रहे, 5 वीएलसी मीडिया प्लेयर चला पा रहे थे। क्यों? क्योंकि 5 में से अगर मैं देखता हूं तो अप्रोक्सीमेटली आपका 15 GB स्पेस तो कौन ले गया था, ओएस ले गया था 15 GB रैम, यस और नो एवरीवन? यस सर। बट यहां पर आपका क्या, ये ओएस नहीं चलेगा, जो फिजिकल मशीन पे ओएस पड़ा हुआ है ना, ये उसी ओएस को शेयर कर लेगा। तो डॉकर क्या करता है, आपकी फिजिकल मशीन के ओएस को शेयर करता है, लेकिन वर्चुअल मशीन पे हमें हर मशीन पर ओएस डालना पड़ता है। तो यहां पर हमारी ओएस की लेयर खत्म हो जाती है कंटेनर के अंदर, इट इज द ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन। तो ये यहां पर आपका क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड कराता है डॉकर। सर एक क्वेश्चन था सर, ये 150 MB का ये कंटेनर बनाया था आपने जिस छोटा सा, तो जस्ट लाइक अगर वी हैव टू यू नो वर्क ऑन अदर सॉफ्टवेयर्स देन उसके लिए ये अलग, आप यहाँ पर वीएलसी चलाइए, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप इधर यहाँ पर अपना वेब सर्वर बनाइए, अपाची पर चलाइए, आप इस पर अपना यहाँ पे टॉमकैट चलाइए, अलग अलग मशीन है, दीज आर द डिफरेंट, देयर आर नो कम्युनिकेशन बिटवीन कंटेनर, अगर आप कराना चाहते हो तो कर सकते हो। और अगर दो मशीन ही बनानी हो यहाँ पे तो वो कैसे करेंगी? ये दो मशीन ही है, यहाँ पे ओएस इंस्टॉल नहीं होता इन मशीनों पे, आपको ओएस के ऊपर जो चीज चाहिए होती है ना वो आप बना सकते हो। ओएस के ऊपर आपको क्या करना है, आपको एसक्यूएल इंस्टॉल करना है, आप एसक्यूएल का कंटेनर बना दो, मतलब कि आपकी ओएस की लेयर खत्म कर दी ना। अभी आपको अगर एसक्यूएल इंस्टॉल करना है तो पहले आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे, देन एसक्यूएल करोगे, या जावा इंस्टॉल करना है ओएस इंस्टॉल करोगे, जावा इंस्टॉल करोगे,
यस या नो? अच्छा, कहने का मतलब ये है कि जो भी सॉफ्टवेयर, क्या जी? अच्छा इट मीन्स जो भी सॉफ्टवेयर या जो भी कुछ अलग से यूज करना होगा वो यूज कर लिया जाएगा और वो उसके साथ उसका ओएस यूज करेगा जिस मशीन पे वो डॉकर होगा। हाँ जी, वो तो उसी फिजिकल बेस मशीन मशीन का यूज करेगा ना। हाँ, फिजिकल मशीन का। तो इससे क्या हो गए, आपकी ओएस का स्पेस बच गया, ओएस की रैम बच गई, तो ये आपकी कॉस्ट कम हो गई। इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आपके 1,000 सर्वर्स है तो कितनी कॉस्ट कम हो गई? राइट राइट। दूसरा कि यहां पर आपका फास्ट कन्वर्जन भी हो रहा है कि अब यहाँ पर आपको अपने 100 वेब सर्वर बनाने, तो आप 100 के 100 वेब सर्वर अपनी एक बेस मशीन पे ही बना दो। 100 अलग वेब सर्वर लेने की जरूरत नहीं, आप 100 कंटेनर बना दीजिए। अगर आपका एक कंटेनर फेल होता है तो वही सपोर्ट दूसरा कंटेनर देगा। जैसे लोड बैलेंसर लगाते हैं ना, तो आपने वेब वन, वेब टू, वेब थ्री, अब आपका ये कंटेनर फेल हो गया तो ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट इस पे चली जाएगी, ये फेल होता है तो ऑटोमेटिकली दूसरे पे चली जाएगी। पहले हम रियल टाइम पे क्या करते हैं, रियल टाइम पे हम अलग अलग सर्वर ही लगाते थे कि अब एक सर्वर से इनको हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया, लोड बैलेंसर के साथ। आज अनुज जी के यहाँ पर कनेक्टेड होंगे ऑलरेडी कि अगर आपका एक सर्वर डाउन होता है, एक सर्वर डाउन होता है तो वो मूव कर देता है दूसरे पे, ठीक है, और जी फास्ट स्केलिंग। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने अब सर्वर ना लगा के अब यहाँ पर ये सर्वर की जगह आ गए कंटेनर, क्योंकि तो यहाँ पे सर्वर पे तो मुझे वेबसाइट रन करानी है, तो वेबसाइट के लिए मैं ओएस क्यों डालू, मैं पूरा इतना बड़ा सर्वर क्यों लू, मैं तो सिर्फ वेबसाइट यहाँ पे कंटेनर पे वेबसाइट बना देता हूँ। वेबसाइट मेरी कितनी होती है, 100 MB, 200 MB, 50, 500 MB की होगी ज्यादा से ज्यादा, 1 GB की होगी, इससे ज्यादा की तो वेबसाइट होती नहीं है गाइस। होती है क्या 1 GB से भी? 1 GB तो बहुत बड़ा वर्ड बता दिया मैंने, कोई भी वेबसाइट शायद बहुत बड़ी कंपनी तो होंगी ना, उनकी जाके शायद 1 GB की वेबसाइट होगी। यस और नो? एग्री। तो गाइस जो भी चीज मैंने आपको बताया ना, सारी चीज हम प्रैक्टिकली करेंगे डेवऑप्स के अंदर, ये सारी चीज प्रैक्टिकली। अगर आप देखना चाहते हो, अगर सिंपल सा है सर, तो यहाँ पर आपका इसमें डॉकर हब है। बताइए। जो कंटेनर है ये क्लस्टर मोड में है सारे, जो एक के बाद अगर एक फिल हुआ नहीं दूसरे पे नहीं चला नहीं जाएगा। नहीं वो एक्चुअली क्या है, यहाँ पर डॉकर के अंदर नहीं है, डॉकर के अंदर वही काम डॉकर स्वाम करता है, बट डॉकर का अपग्रेड वर्जन अगर हम बोले तो एक और अपग्रेड वर्जन है, दिस इज अ कुबरनेट। हाँ सुना है इसका नाम भी, तो कुबरनेट ज्यादा यूज हो रहा है डॉकर से, तो जी। इसके अंदर क्लस्टरिंग है। क्योंकि लोड बैलेंसर से तो अगर रिक्वेस्ट फेल ओवर तो होता नहीं है लोड बैलेंसर में, अगर रिक्वेस्ट फेल होगी नहीं तो वो उस पे, अगर वो जेवीएम, सॉरी जेवीएम तो नहीं कह रहे हैं यहाँ पे, अगर वो कंटेनर बंद होगा तो लोड बैलेंस उस पे करेगा ही नहीं, उसको पहले ही वो चेक हेल्थ चेक कर लेता है कि लोड बैलेंस पे कुबरनेट बंद है। कुबरनेट कुबर तो यही प्रॉब्लम थी डॉकर के, तो इसका अपग्रेडेड वर्जन है कुबरनेट। तो कंपनियां डॉकर कुबरनेट दोनों यूज करती है। इसके साथ ऑटोमेशन के लिए भी अब यूजिंग द जेंकिन, और भी मल्टीपल सर्वर है तो भी अब यूजिंग द अंसीबल। तो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं, तो डेवऑप्स जब आगे पढ़ेंगे तो डेवऑप्स का जेनगिन्स देखेंगे। तो सर, जेनगिन्स सर डिप्लॉयमेंट के लिए यूज करते हैं। अच्छा दिस इज अ ऑटोमेशन, दिस इज ओनली द पुश एंड पुल, एक राइट जगह से राइट। दूसरी जगह से जलाने ले जाने के लिए ही यूज हाँ होता है। जी तो जेनगिन्स, हाँ वही डेवऑप्स टीम कर रही है यूज, ये मतलब सुना है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ये डेवऑप्स के टूल्स हैं। अब आपके डेवऑप्स इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टूल्स, तो अब आपको कौन से टूल्स यूज करने हैं वो यूज करने पड़ेंगे। बट क्लाउड, क्लाउड एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप कंपनी क्या कह रही है कि कहे देखो ये जो डेवऑप्स वाला पार्ट मैंने आपको बताया ना, ये अब ये वाली मशीन आप चाहो तो ऑन प्रमाइस भी बना सकते हो, आप चाहो तो वर्चुअलाइज भी बना सकते हो, और आप चाहो तो क्लाउड पे भी बना सकते हो। चॉइस इज योर कि आप जो डेवऑप्स का सेटअप है, आप ऑन प्रमाइस पे अपनी मशीन डिप्लॉय करना चाहते हो, वर्चुअलाइजेशन सिस्टम पे अपनी मशीन डिप्लॉय करना चाहते हो, क्लाउड पे। तो मैं अगर कराता हूँ तो गाइस आई एम प्रोवाइडिंग क्लाउड, मैं यहाँ पर क्लाउड पे डिप्लॉय कर, क्योंकि मार्केट में इस समय डेवऑप्स इंटीग्रेटेड हो रहा है विद क्लाउड, और क्लाउड का बैकबोन गाइस वर्चुअलाइजेशन ही है, और वर्चुअलाइजेशन का बैकबोन ऑन प्रमाइस ही है। यानी कि सबसे पहले अगर क्लाउड बनाए तो आपकी कंपनी ने एक ऑन प्रमाइस सेटअप ही लगाया है, एक फिजिकल सर्वर ही लगाया है, और उस फिजिकल सर्वर पे उसने वर्चुअलाइजेशन टूल डाला है, और फिर जाके उसने वहां पे एक पोर्टल क्रिएट करा है।
और फिर उस पे जाके आपने डेवऑप्स की मशीन बनाई है और फिर उस पे जाके आपने कंटेनर डिप्लॉय करा है। तो पूरा प्रोसेस वही है, बट ये चीजों को कस्टमाइज करते हुए लेते हुए आए हैं कि अब कंपनी पहले यहाँ इस लेवल पे थी, अब कंपनी इस लेवल पे काम कर रही है। तो दिस इज अ कंप्लीट एक हायरार्की है कि अगर आप कभी भी डेवऑप्स, अब अगर आप कभी भी उस पे जाएंगे इंटरव्यू में, तो आपसे पूछा जा सकता है कि सर क्लाउड की हायरार्की क्या है, कि एक्चुअली में क्लाउड लाने के रीजन क्या थे, कि ऐसा मार्केट में चेंजेस क्या हुआ कि डेवऑप्स नीड आया, कि डिफरेंस क्या है क्लाउड और डेवऑप्स में, या वर्चुअलाइजेशन और क्लाउड में डिफरेंसेस क्या है, या ऑन प्रमाइज और वर्चुअलाइजेशन में क्या डिफरेंसेस है। दीज आर द सम बेसिक टर्म्स है जो कि आपको हर जगह नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने आपको प्रॉपर चीजें डिटेल में बताई है। एनी क्वेश्चन गाइस किसी का? नो सर। इज इट क्लियर गाइस? होप सो कि आज की इंट्रोडक्शन क्लास में आपको कुछ चीजें मिली हो एक्स्ट्रा। काफी कुछ। यस सर। चलिए थैंक यू। तो चलिए अब मैं अपनी रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, आज का ये इंट्रोडक्शन होता है।